नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको रेलवे के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। इसमें मैं आपको टोटल 15 क्वेश्चन बताऊंगा जो बार बार रिपीट हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। चलिए आज के प्रश्न शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहूँगा कि आप अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके पास तुरंत आसानी से पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि मछली के यकृत तेल में कौन सी विटामिन होती है। ये 1992 में आया था। देखिए, मछली के यकृत तेल में विटामिन डी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाबरनामा के रचयिता कौन है। बाबरनामा के रचयिता कौन है, मतलब लेखक कौन है। ये भी 1992 में आया था। तो इसका आंसर है बाबर। बाबरनामा के लेखक बाबर खुद ही है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। ये 1992 में रेलवे में आया था। तो पृथ्वी का आप सभी जानते हो, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन है कि एजुकेशन किस अनुसूची का विषय है। ये 1994 में क्वेश्चन आया था। ये समवर्ती सूची का विषय है। तीन सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। समवर्ती सूची में कुल 98 विषय हैं, राज्य सूची में कुल 62 विषय हैं और समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। ये भी 1994 में आया है। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसका फॉर्मूला होता है N2O। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। यह आया था 1995 भोपाल RRB में। तो आंसर देखते हैं। आंसर है, तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य स्थित था और अभी भी मतलब विजयनगर है। ये क्वेश्चन है, विक्टोरिया प्रपात जलप्रपात किस नदी पर है। ये भी भोपाल 1995 में आया है। तो ये जम्बेज नदी पे है, अफ्रीका में। एक आया था, लावणी और तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है। ये प्रश्न चेन्नई RRB में आया था 1995 में। तो देखिए आंसर इसका है महाराष्ट्र। MH का मतलब होता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का ये लोक नृत्य लावणी और तमाशा है। एक प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी। मनसबदारी प्रथा 1995, मतलब ये प्रश्न 1995 में आया है। मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। एक प्रश्न है, विटामिन ए किसके लिए अच्छा होता है। तो आप सभी जानते हैं, विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। देखिए, विटामिन ए की वजह से रतौंधी रोग और जीरोफिलिया रोग, दो रोग होते हैं। ये आप दोनों याद रखिए। हो सकता है कि आपसे रतौंधी ना पूछकर जीरोफिलिया पूछ ले, तो जीरोफिलिया भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूंगफली में कौन सी विटामिन अधिक होती है। ये प्रश्न आया था 7/1/1995 में। तो विटामिन B1 मूंगफली में सबसे अधिक होती है। एक प्रश्न है, विंटर ओलंपिक कब से शुरू हुए। ये आया था भुवनेश्वर 1996 में। 1924 से विंटर ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। एक प्रश्न है, प्रत्येक नागरिक किसने कहा था। इतना आगे छूट गया है यहाँ पे, किसने कहा था, यहाँ पे प्रश्न छूट गया है। किसने कहा था कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। ये प्रश्न आया 25/3/1995 में। तो ये कहा था कार्नवालिस ने। देखिए यहाँ पे मैं आपको सभी, मतलब जितने प्रीवियस ईयर के प्रश्न आएंगे आए हैं आ चुके हैं, उनको मैं कवर कराऊंगा आपको अच्छे से। तो प्लीज इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन क्या है, ये प्रश्न आया था 25/3/1995 में। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड है,
ये कहा था बच्चा मनुष्य का पिता होता है, ये किसने कहा था? ये प्रश्न आया है भुवनेश्वर 1996 में। तो ये कहा था वर्ड्सवर्थ ने कि बच्चा मनुष्य का पिता है, पिता होता है। दोस्तों ये थे आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले साल रेलवे में आ चुके हैं। अगर ऐसे ही प्रश्न आप चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।